सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है HTML लेसन 5, लिस्ट्स इन HTML। तो जैसे कि हमको मम्मी कहती हैं जाओ ये लेके आओ, गरम मसाला लेके आओ, टमाटर आलू ये सब लेके आना कहती हैं, तो हम जाते हैं वहाँ पे गरम मसाला मम्मी ने कहा तो हम जाके लेके आ जाए हैं पनीर मसाला, तो यही गलती कर देते हैं। इसीलिए हम जाते हैं, इससे अच्छा है हम लिस्ट बना लेते हैं, एक कागज़ लेते हैं, उसमें हम लिख देते हैं नंबर 1 ये लाना, नंबर 2 ये लाना, नंबर 3 ये लाना है। तो दुकानदार के सामने जाके बोल देते हैं हाँ भैया ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो। तो इससे क्या रहता है कि हमको मतलब भूलते नहीं, हम गलत सामान नहीं लेके आते। तो यही सेम चीज़ होता है हमारे HTML में, मतलब कि वेब पेज में हम लिस्ट बनाते हैं। जैसे वेब पेज में लिखा है हाउ टू मेक टी, वो बता रहा है हमको टी कैसे बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो लिखेगा इंग्रीडियंट्स, मतलब कि क्या क्या चाहिए। नंबर 1 उसको लिखना पड़ेगा, नंबर 1 चाय पत्ती और वाटर मतलब पानी दूध ये सब लिखेगा। इससे अच्छा वो नंबर 1 जो लिखता है वो थोड़ा टाइम लग सकता है और उतना परफेक्टली आप लिख नहीं सकते हैं। तो उसी के लिए HTML में लिस्ट होती है। लिस्ट में 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, पहला ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट, तीसरा डेफिनेशन लिस्ट। तो उसमें टैग लगाते हैं, LI टैग, OL टैग, मतलब ऐसे टैग होते हैं, अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो उसमें बताएंगे। टैग लगाते हैं और वो अपने आप ही जिस फॉर्मेट में आप चाहें वो कन्वर्ट कर देता है, चाहे आप रोमन में चाहें वो कन्वर्ट कर देगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहें वो भी कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ होता है हमारे HTML में, जो कि कहलाता है HTML लिस्ट के नाम से। तो चलिए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख ही पा रहे हैं, हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, टाइटल है हमारा हाउ टू मेक टी, और यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं टाइटल हमारा हाउ टू मेक टी, और इसमें हम आपको बताएंगे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जो है सिक्वेंशियल फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि ये हम इसमें हम ऑर्डर लिस्ट चेक करेंगे हाउ टू मेक टी में इंग्रेडिएंट्स जैसे है, इंग्रेडिएंट मतलब क्या क्या सामान लगेगा हमको चाय बनाने में। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के ऑर्डर लिस्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे ओएल टैग लगाते हैं, ऑर्डर लिस्ट की जगह ओएल मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, तो हम लिखेंगे ओएल टैग और हमको यहीं तक करना है, मिल्क BR के बाद तक करना है, तो हम यहाँ पे ओएल टैग क्लोज कर देंगे। ठीक, हमारा ओएल टैग हो गया क्लोज। अब इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब हम वहाँ पे जाएंगे लिस्ट बन गए, तो आप गलत सोच रहे हैं, अभी इसके अंदर हमको LI टैग भी लिखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अभी नहीं हुआ है, अभी पहले हम आपको LI टैग लिख के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे वाटर के पास LI टैग, टी के पास LI टैग, हर जगह हम LI टैग लिखेंगे, LI टैग, और इसको हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C। अब इसको हम लगाते चले जाएंगे Ctrl+V, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं एकदम उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको वहां पे सीधा ही मिलेगा। और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, LI क्लोज हो गया हमारा, यहाँ पे LI यहाँ भी क्लोज कर देंगे हम, ऐसे पहले क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, तो अब यहाँ पे जब हम जाएंगे ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, बिना हम मतलब यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लिखा नहीं, ये बस हमने ओएल टैग लगाया और LI टैग लगाया, 1 2 3 4 अपने आप ही आ गया। और ये जो 1 2 3 4 रहता है ये डिफॉल्ट रहता है, ये अपने से मतलब सेट रहता है पहले से ही, इसको बाद में हमको सेट नहीं करना पड़ता। अब बस हम ऐसा इतना कोड लिख देंगे ओएल टैग LI टैग बस, और ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा। और हमको अगर इसका टाइप चेंज करना है, मतलब ओएल है जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, वैसे ही अगर हम 1 2 3 4 को बदल के अगर हम ABCD करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और हम अगर स्मॉल लेटर के ABCD करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और अगर हम रोमन नंबर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ओएल टैग की मदद से। तो चलिए करके देखते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे ओएल टाइप, ओएल टाइप इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखिए नीचे आ गया 1 A स्मॉल a कैपिटल I स्मॉल i, तो हम जैसे कि कैपिटल A कर दे रहे हैं। और इसके बाद हम जाके इस पे चेक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स ये कैपिटल A में आ गया, A.water B.t ऐसे करके आ गया। और अगर हम इसको स्मॉल a चेंज कर दे रहे हैं करके स्मॉल a, तो ये स्मॉल a हो जाएगा, और यहाँ पे जब देखेंगे तो ये देखिए स्मॉल ABCD। इसको अगर हम रोमन नंबर में चेंज करना चाहें तो हम कैपिटल I से कर सकते हैं, और स्मॉल I भी है स्मॉल रोमन नंबर के लिए, तो ये देखिए ये रोमन नंबर में चेंज हो गया। और अगर हम इसको स्मॉल I करेंगे
तो ये देखिए, स्मॉल रोमन नंबर में चेंज हो गया। तो ये होता है ओयर टाइप। ओयर टाइप भी हमने आपको, ओयर टाइप जो है उसको एट्रीब्यूट, ओयर टाइप जो है एट्रीब्यूट होता है, इसको भी हमने बता दिया। अब हम चलेंगे अपने यूएर टाइप की तरफ, जो कि है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस पे देखिए हमने लिख दिया पहले से, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको लिखने में, तो हमने लिख दिया। ये देखिए, इसमें लिखेंगे ये यूएल, और इसमें हम एल आई लिखेंगे। एल आई लिखे और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर दिए, और यहाँ पे फिर एल आई लिखे, इसको क्लोज कर दिए। ऐसे ऐसे करके हमने लिख दिया है। तो ये देखिए, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डिस्क में। ये जो है इसको डिस्क कहते हैं, ये डिस्क में कन्वर्ट हो गया। ये डिफॉल्ट है, मतलब यूएल टैग का डिफॉल्ट है। अगर यूएल टैग लगाएंगे, टैग लगाएंगे तो ऐसे ही डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमको इसको चेंज करके स्क्वायर करना है, तो लिखेंगे यूएल टाइप इक्वल्स टू, और इसमें हम लिख देंगे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। और हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो यही होता है यूएल टाइप। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपने डेफिनेशन लिस्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे वाले पैराग्राफ में हम लगाएंगे डीएल टाइप, डीएल डीएल टैग लगाएंगे। अब इसको फिर अब इसको यहाँ पे क्लोज भी कर दे रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे इतने में काम नहीं होगा, इसके अंदर हम पहले फ्रूट्स है, मतलब कि फ्रूट्स है ये, हम चाहते हैं कि जो फ्रूट्स है इसके अंदर ऑरेंजेस, बनाना और एप्पल आए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है इसके अंदर। ये देखिए, ऐसे लिखा है फ्रूट्स, ऑरेंजेस, बनाना, एप्पल, ऐसे लिखा है। अभी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, इस पे जाएंगे विजुअल स्टूडियो पे, और ये हम फ्रूट्स में डीटी लिखेंगे। आप सोचें डीटी क्यों, तो जैसे उसमें एल आई लिखते थे उसी तरह ये एक और टैग है डीटी। तो यहाँ पे लिखूंगा डाटा टर्म्स का मतलब होता है, इसको डीटी को क्लोज भी कर दूंगा। और अब यहाँ पे हम डीटी नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे डीडी लिखेंगे। अब डीडी आप सोच रहे होंगे डीडी क्यों लिखेंगे, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसको जैसे कि उसमें एल आई लिखते थे, अब इसमें ऐसे डी डी लिखेंगे। वो डाटा टर्म था, ये डाटा डेफिनेशन है। तो इसमें इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि जो डाटा टर्म ऑफ फ्रूट्स है उसकी डेफिनेशन है ये, मतलब कि और उसकी डेफिनेशन ऑरेंज है, तो इसीलिए यहाँ पे हम डी डी लिखेंगे। और हम सब में ऐसे ही डी डी लिख देंगे क्योंकि ये डाटा डेफिनेशन है। तो यहाँ भी हम डी डी इसको क्लोज कर देंगे, यही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा हो गया है, इसको अभी ठीक कर दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ भी इसको क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा डेफिनेशन लिस्ट, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसे हो गया, ये देखिए ऐसे लग रहा है कि फ्रूट्स जो है उसके डेफिनेशन, वो फ्रूट्स है उसके टर्म है, उसमें ये सब डेफिनेशन। लेकिन एप्पल में जैसे कुछ गलती हो गई, इसमें हम देखेंगे क्या गलती हुई है। तो एप्पल में हमने जैसे डी टी लिख दिया गलती से, मतलब कि वो अपने आप वो कर रहा था, मैंने डी टी गलती से दिया है, इसीलिए वो डाटा टर्म बन गया है। यहाँ पे डी टी लिख दिया तो आप देख पा रहे हैं। फिर ये एप्पल भी ऐसे होगा, ऐसे लग रहा है कि फ्रूट से उसकी डिफिनेशन है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल करने के लिए एक हम और ले लेते हैं पैराग्राफ, इसमें भी हम करेंगे। पहले हम डीएल टैग लगाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पे डी टी क्लोज कर देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, इसमें भी हमने लिख दिया, और हम यहाँ पे डीएल टैग को जो है हम क्लोज कर देंगे। जैसे डीएल टैग हमारा जो है वो क्लोज हो गया। अब हम चल के रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, ये देखिए फ्रूट्स, फ्रूट्स में आ रहे हैं ऑरेंज, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, और यहाँ पे है वेजिटेबल, वेजिटेबल में आ रहा है पोटैटो, लेडी फिंगर और पम्पकिन। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन लिस्ट। अब हम आपको थोड़ा और दिखा दे रहे हैं ओयल में, आप चल के, ये उम्मीद है आपको डेफिनेशन लिस्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ऊपर चल के हम आपको दिखा दे रहे हैं ओयल टैग में, जैसे कि यहाँ पे है, ये देखिए ओयल टैग है, और हम चाहते हैं ये टाइप है, और यहाँ पे ए लिखा है, हम चाहते हैं ये ए से ना स्टार्ट हो बल्कि ये सी से स्टार्ट हो। लेकिन हम ऐसे करेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वन से स्टार्ट हो जाएगा। हम ऐसे लिखे रहने देंगे, ऐसे ए से लिखे रहने देंगे। पहले हम आपको रिजल्ट दिखा दें क्या है। अभी इस समय है ए बी सी डी, ए बी सी डी है।
अब इसके बाद हम इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाएंगे। स्टार्ट एट्रीब्यूट यस टी ए आर टी स्टार्ट फिर इक्वल्स टू अब इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें लिख देंगे जैसे कि हमको सी से स्टार्ट करना है तो सी जो अल्फ़ाबेट है वो नंबर कितने नंबर पे आता है, वो थर्ड नंबर पे आता है तो हम थ्री पे कर देंगे, थ्री लिख देंगे यहाँ पे। तो अब इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे लिख उठा सी डी ई एफ। और अगर हमको यही चीज टेन से हम स्टार्ट करना है, मगर टेन से स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए जे के एल एम ऐसे लिख उठा। और अगर हम इसको हटा के लिख दें यहाँ पे आई कैपिटल आई, और इसको हम टेन से अगर स्टार्ट करने को लिख दें तो यहाँ पे ये देखिए 10, 11, 12, 13। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।